वॉइस डेली के तमाम देखने और सुनने वालों को वेलकम कहते हैं न्यू एपिसोड के साथ, जिसमें आपको देखने को मिलेंगी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैरान भी करेंगी और हंसाएंगी भी। तो बिना देर किए आज के सेशन करते हैं शुरू, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना और रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक डेली पहुँचती रहे। दोस्तों, यकीनन आपने जिंदगी में मैजिक शोज तो जरूर देख रखे होंगे, जिसमें बाजीगर लोगों की नजरों के सामने मैजिक ट्रिक दिखाकर सरप्राइज कर देते हैं। चलिए आज आपको दिखाते हैं कि नजरों के पीछे असल में वो करते क्या हैं। मसलन ये भाई साहब जो ऑडियंस के साथ पलक झपकने में अपनी असिस्टेंट का ड्रेस चेंज करवा देते हैं, जरा साइड व्यू भी देख लीजिए कि असल में होता क्या है। और ये वाला जादूगर तो पहले वाले से भी ज्यादा निकम्मा निकला, जिसकी एक साइड से वीडियो बनाकर बंदे ने उसके जादू का भांडा फोड़ दिया कि कपड़े के पीछे से अचानक लड़की कैसे निकल आती है। व्यूअर्स, अगली वीडियो पर तो हम भी कंफ्यूज हैं कि ये भी कोई करतब था या असल में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। अच्छे मौसम का मजा लूटने ये चंद दोस्त लॉन्ग ड्राइव पर निकले तो फ्रंट सीट पर बैठे एक बंदे ने मोबाइल से वीडियो बनानी शुरू कर दी। पहले तो एक नजर देखने पर ये रूटीन ही की वीडियो लगती है, आप भी देखिए। लेकिन जब बाद में लड़कों ने इस वीडियो को दोबारा देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि सड़क किनारे उगे दरख्त के नीचे से जब ये गुजरे थे तो वहाँ पेड़ पर एक इंसानी बॉडी लटकी हुई दिखाई दी। मालूम नहीं वो कोई पुतला था या किसी की डेड बॉडी, जिसे मारने के बाद यूं दरख्त से लटका दिया गया। लेकिन व्यूअर्स, हैरानी की बात यह है कि सड़क के बीचों बीच इंसानी बॉडी दरख्त से लटकी हुई थी और किसी को खबर ही नहीं। वैसे अगर आपको इस मामले की कुछ समझ आई हो तो कमेंट करके हमें भी बताना। अब बारी है एक ऐसी वीडियो की जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंडिया के एक गांव में खातून चारपाई पर सो रही थी कि अचानक कहीं से एक सांप वहां आ निकला और उसके ऊपर फन फैलाकर बैठ गया। खातून को जब पता चला तो उसने अकलमंदी ये दिखाई कि बिल्कुल फ्रीज होकर लेटी रही और जरा सी भी हरकत नहीं की, ताकि सांप घबराकर उस पर अटैक न कर डाले, क्योंकि सांप तभी हमला करता है जब उसे ये लगे कि सामने वाला उसे नुकसान पहुंचाने लगा है। बिलाआखिर खातून की स्ट्रेटेजी काम कर गई और कुछ ही देर के बाद सांप बिना उसे कोई नुकसान पहुँचाए वहाँ से चला गया। इस गांव के लोगों को नदी पार करने में दिक्कत होती थी तो लोकल पॉलिटिशियन ने उनके लिए अपने खर्चे से ब्रिज बनवा दिया और फिर सूट बूट पहनकर जुलूस के साथ उस पुल का रिबन काटने पहुंच गया। मगर खबर नहीं थी कि आज रिबन नहीं बल्कि उसी का कटने वाला है। जो ही रिबन कटा, उसके साथ ही वो पुल और उसकी रेपुटेशन दोनों ही जमीन पर गिर गए। अब मुलाहिजा कीजिए, ये डेढ़ होशियार जिसने इनाम जीतने के लिए गेम में ऐसा चीट कोड लगाया कि दुनिया को हैरान कर डाला। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा लेजेंड जो असल में गेम डालने निकला था, लेकिन लड़की ने चीट करके उल्टा उसी की गेम बजा डाली। बेचारा दुल्हा बनने के चक्कर में मामू बन गया। दुल्हे के बाद बारी है इस दुल्हन की, जो बेचारी स्टेज पर बैठे बैठे बिला वजह जलील हो गई। मालूम नहीं इस नन्हे बच्चे को दुल्हन पर किसी बात का गुस्सा था या इस बच्चे को दुल्हन के खिलाफ किसी ने लॉन्च किया था। खैर वो मामला छोड़िए, इस शादी पर दुल्हन के साथ क्या चल रहा है, देखकर बताओ तो सही कि ये खुद अपने हाथों से क्यों नहीं खा रही, और अगर किसी और ने खिलाना ही था तो दुल्हा अपने हाथों से क्यों नहीं खिला रहा। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले चीन के एक सूबे में तेज हवाओं के तूफान ने बहुत तबाही मचाई थी। इस तूफान की शिद्दत का अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हो, जिसमें एक लड़की गाड़ी में बैठकर दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही थी और उसमें उसे कितनी मुश्किल पेश आई। तूफानी हवाओं से हमें ये अगली वीडियो याद आ गई। व्यूअर्स, आपने कार रेस टीवी पर तो जरूर देखी होगी, लेकिन जान लीजिए कि टीवी स्क्रीन पर इन कार्स की स्पीड का सही अंदाजा नहीं हो पाता। शायद इन लोगों को भी नहीं था, तभी तो ट्रैक के बिल्कुल पास खड़े होकर वीडियोस बनाना शुरू हो गए, और जो ही कार्स इनके पास से गुजरी तो देखिए फिर कैसे हिल कर रह गए।
सुपर कार्स का जिक्र हुआ है तो आजकल टेस्ला की ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक कार्स की बेहद धूम है, जो बगैर ड्राइवर के खुद ही ऑपरेट करती हैं और आपको मंजिल पर ले जाती हैं। लेकिन ये गाड़ियाँ करोड़ों रुपए की हैं। सो पेशे खिदमत है एक सस्ती देसी ड्राइवरलेस कार, जिसे आप ड्राइविंग सीट की बजाय साथ वाली सीट पर बैठकर भी चला सकते हो। बस एक बात है कि जिंदगी मौत की जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। अब बात करेंगे टिकटॉकर्स की, जो ऐसी शेमलेस मखलूक हैं जो जिंदगी मौत को भी मजाक समझते हैं और रातों रात फेम पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि ये हजरत जो वीडियो बनाने के लिए कब्र के अंदर जाकर लेट गए और फिर कुदरत ने ऐसी बेहुर्मती पर उनके साथ जो किया वो भी आप देख लीजिए। दोस्तों आजकल विमेन राइट्स पर बहुत शोर मचाया जाता है कि औरतों को बराबरी का सलूक मिलना चाहिए, लेकिन इस वीडियो के बाद तो यूं लगता है कि मर्दों को भी अपने हक के लिए निकलना होगा। बाइक चलाते हुए हेलमेट ना पहनने पर ट्रैफिक वार्डन ने इन लड़कों का चालान कर दिया, जिसका इन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। लेकिन मिर्चें इन लड़कों को तब लगी जब उसी वक्त वहाँ एक लड़की भी उन्हीं की तरह बगैर हेलमेट के बाइक चलाते हुए आई। पुलिस वाले ने उसे रोका और बड़े प्यार से समझाकर रुखसत कर दिया। जरा ही लड़कों की दुख भरी दास्तान उन्हीं के अल्फाज में सुन लीजिए। चालान काट दिया, चालान काट दिया और वो देखो ये जा रही है, वो लड़की जा रही है, उसका नहीं काटा, उसका छोड़ दिया। कहते हैं कि खवातीन रिक्शे वाले को हाथ देकर रुकने का बोलती हैं, लड़के बाइक को हाथ देकर लिफ्ट मांगते हैं और अंकल्स गाड़ी को हाथ देकर रोकते हैं, लेकिन लेजेंड्स हाथ से ट्रेन को रुकने का बोलते हैं। और मजे की बात यह है कि इस लेजेंड के लिए तो ट्रेन बाकायदा रुकी भी और इसे लिफ्ट के लिए चढ़ा कर दोबारा चली। आपने टीवी पर बड़ी बड़ी मजाहिया न्यूज रिपोर्ट्स या उनके ब्लूपर्स देखे होंगे, लेकिन इस रिपोर्टर के साथ जो हुआ उसका जवाब नहीं। ये जर्नलिस्ट बेचारा अपने शहर में गंदगी के ढेर उठवाने के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहा था और पीछे उसने खड़े किए कुछ लोकल लोग ताकि उनका इंटरव्यू करके रिपोर्ट बना सके, मगर इन लोगों ने तो भाई साहब को ही ट्रोल कर डाला। अब शायद इनकी न्यूज रिपोर्ट तो इतनी ना चलती जितनी बिहाइंड द सीन वाली इनकी ये वीडियो चल पड़ी। मसाइल की अगर बात की जाए तो इस वक्त म्यूनिसिपल कमेटी कोटचूटा के अफसरान की नाअहली के बायस पूरा कोटचूटा शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। जूते मजीद इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। दोस्तों सच सच बताना, स्कूल में आपको कैसे टीचर्स मिले थे जो प्यार से पढ़ाते थे या फेंटी लगाते रहते थे? अगली वायरल वीडियो देखकर आप यकीनन रश करोगे, काश आपको भी ऐसे टीचर मिले होते जैसे इस बच्चे को मिली, तभी तो वो बच्चा अपनी टीचर के साथ कैसे प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही दिलचस्प एपिसोड्स रोज देखने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइबर जरूर बनना। जल्द मिलने की उम्मीद से आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।